सर मैं ये बनाने जा रहा हूँ डिजिट सी, जो बड़ा क्रीमी है, बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है। ये मैंने अंडे डाले हैं, इसके बाद मैंने मक्खन डाला है। अब मैं डालने जा रहा हूँ पनीर, जिसके अंदर सॉफ्ट बनेगा ये। अब मैंने लगा दिया ब्रेड स्लाइसेस, यहाँ से हार्ड है, लेकिन इसको बिल्कुल प्लेन करने के लिए हम मक्खन डालेंगे। इसको हम पलटी मारेंगे जिससे ये ब्रेड सिक जाए। जैसे ब्राउन हो गया है तो समझ लो ये पीछे का बेस जो है बन चुका है। इसको फ्रेम, इसको पलटी मारेंगे दोबारा। हम इसमें डालेंगे म्यूनिस, जिससे अंदर का जो है सॉफ्ट रहेगा। अब इसके बाद हम डालेंगे चीज़। अब डालेंगे मसाले, इसमें दो मसाले डाले जाते हैं जिससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए। We are at Rao Left. It's a very famous shop. They make 500 varieties of eggs, from omelets to French bread. Something new which I've never tried, a Jalandhari omelet. Basically, it's a bread on which chicken is put, and then it's wrapped in an omelet. And upar this looks like mustard. No, sauces hai. और ये कोरिएंडर है, खा के देखते हैं। बिकॉज ऑफ द जालंधरी थिंग, लिटिल स्पाइसी बट गोज विद द मेयोनेज आउट देयर। हम सिर्फ एग बहुत कम लोग खाते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया और कुछ नया लाने की कोशिश करी, कस्टमर मेरे से जुड़ते चले गए। कुछ नया करने के लिए मुझे मैगज़ीन पढ़नी पड़ती थी, उस टाइम मैगज़ीन का ज़माना था, नेट का ज़माना नहीं था। कुछ मैगज़ीन से, कुछ मेरी मम्मी थी कि मेरी मम्मी वो कुकिंग अच्छी करती, मेरी मम्मी तो उनके यहाँ पर उन्होंने मेरे को समझाया था इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट करो। जैसे जलंधरी कह लो, उस टाइम एक जलंधर के लोगों या पंजाबी लोग होते हैं, उनको टेस्ट चाहिए तड़का स्पाइसी, जो उसको कहते हैं जलंधरी। जब मैं जलंधर गया था तो वहाँ पे ऐसे कुछ सीखा मिलता था, वो चीज़ मैं यहाँ लेके आया, तो यहाँ तभी से नाम पड़ गया जलंधरी। और जो मनैकोज हैं, उस टाइम मनैको एक बिस्कुट चलता था बड़ा फेमस, तो मैंने उससे कोशिश करी उस तरीके का कुछ आइटम बनाया जाए, जिससे मैंने मनैको बनाना स्टार्ट किया। तो कस्टमर कहते थे मेरे, ये तो कुछ मनैको लग रहा है, मनैको बिस्कुट से लग रहा है। तो मैं, ठीक है जी, इसका नाम मनैको रख देते हैं।